क्या बात सा? कितना रात भर आजकल यो के चक्कर शुरू हो गया आजकल भाई? हाँ कुछ खाने को दे दे। अरे खाने को तो मैं बाद में दूंगा, यो मसाज सा है थारे वास्ते, यो मसाज। मैसेज मैसेज, जब आदमी अंग्रेजी तो बोलता क्यों है बेवकूफ? वही वही। ये क्या 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 है क्या? अरे वो रमेश बीमार सा है, अस्पताल में से है वो। आज कश्मीरी की जगह अफगानी चला दी क्या? अरे नहीं नहीं सच कह रहा हूँ, परलोक अस्पताल, वो कमरा नंबर भी लिखा सा देख लो। वो क्या क्या कमरा नंबर क्या? वो 1722 1722। हाँ वही। मगर हुआ क्या रमेश को? अरे बहुत इमरजेंसी केस है कुछ। इमरजेंसी? रमेश? हाँ। रमेश की इमरजेंसी? हाँ। अरे बुरे काम करेगा तो अस्पताल में तो जाएगा, और कित जाएगा मंदिर में चुरा कहीं का। आ गया। आ, 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 रमेश क्या हो गया तुमको भाई? मालूम नहीं, अजीब सी बीमारी है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ यहाँ। कुछ ही दिनों की बात है विजय, तुम मेरे पैंट शर्ट बेल्ट अपने पास रख लेना, और मेरी मोटरसाइकिल बेचकर अपने स्कूटर को पेंट करा लेना दोस्त। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? ये कब से हो गया तुमको? जब से बॉस ने छुट्टी नहीं दी तब से मैं छुट्टी मांग मांग कर थक गया, लेकिन वो टच से मस नहीं हुआ और बीमारी बढ़ती गई। अरे अरे, अरे ये विजय इनसे मिलो, ये है हमारी विटामिन जी की टिकिया, मिस चमन प्राश। चलो तुम तैयार हो, मैं अभी आया। हाँ। तो ये है तुम्हारी बीमारी। विजय विजय जल्दी से कपड़े उतार, मुझे बाहर जाना है। क्या कपड़े उतारो? क्यों? हाँ मैंने उसको प्रॉमिस किया है, उसका बर्थडे है, मुझे रात को डिनर पर ले जाना है, एक रात के लिए बस। अरे, तुझे डिनर पर जाना तो मैं अपने कपड़े क्यों उतारूं? कम से कम दोस्ती में तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं दोस्ती में कपड़े नहीं उतार सकता। प्लीज यार विजय मेरी बात मान। नहीं ऐसा ऐसा क्या? एक उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं कपड़े नहीं उतारता। नहीं कोई नहीं, मैं सुबह 7 बजे तक आ जाऊंगा, तू चिंता मत करना। चौपड़ा का आदमी आएगा चेक करने के लिए, तुम मुंह ढक कर चुपचाप लेटे रहना बस। ओके सुजी, ये रमेश का हॉस्पिटल कमरा नंबर क्या है? जस्ट अ मोमेंट सर, 1722। 1722। विजय विजय विजय, तुम अस्पताल में क्या हो गया तुमको? मैं तो तुम्हें देखने आई हूँ। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुमको किसने बताया मैं अस्पताल में? मुझे खजू ने बताया। खजू का बच्चा, उल्लू का पट्टा, डॉक्टर से निकाल दूंगा मैं उसको। तुम ठीक तो हो? कौन है? कौन सा चोपड़ा है तुम्हारा? बस तुम बातों में चुप जाओ, तुम बातों में चुप जाओ, मैं बाद में सब बता दूंगा तुमको, तुम बातों में चुप जाओ, जाओ जल्दी करो। करा रहे हो क्यों? ये सब क्या है इडियट? अभी नीचे तुम्हारी शिकायत सुनकर आ रहा, पूरी कंपनी की रेपुटेशन को खराब करके रख दिया। अरे यहाँ की नर्सों को भी नहीं छोड़ हद, अब मुंह क्यों छुपा रहे हो? ये तुम्हारी काली करतूतें हैं जो तुम्हारी बीमारी बन गई हैं। ऑफिस में भी वही, बाहर भी वही, अब हॉस्पिटल में भी नहीं रुके। मेरी इतनी अच्छी स्टाफ गर्ल्स गई तो सिर्फ तुम्हारी इन बदतमीजियों की वजह से। अब भी होश में आ जाओ, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग देता हूं, या तो अपनी आरोपबाजी छोड़ दो या फिर नौकरी से दफा हो जाओ, समझे? बदतमीज नहीं के। अच्छा वो चला गया चोपड़ा का बच्चा, तुम बैठो तुम्हें सब समझाता हूँ। बैठो, अब क्या समझोगे तुम? मेरी बात सुन। मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। यहाँ बैठ के तुम नर्सों के साथ फ्लर्ट करते हो, ऑफिस में लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो। मैंने किसी लड़की के साथ? तुम संतरा खाते हो। ये मेरा फ्रूट, काश मैं तुम्हें बस स्टॉप पे नहीं मिली होती। मेरी बात, यू आर अ बिग फ्रॉड। मुझे बेवकूफ बनाते रहे। मैंने कुछ नहीं। शट अप। मेरी बात तो नूपुर नूपुर, मेरी बात तो सुनो। रमेश के बच्चे, मैं तुझे जान से मार डालूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं रमेश, मैं तेरा गला दबाऊंगा, मैं तुझे मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं रमेश। जरूर कुछ गड़बड़ है, वो ऐसा आदमी नहीं है, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। वो एक शरीफ लड़का है, शरीफ। शरीफ? शैतान है शैतान, एक नंबर का शैतान। जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे हाँ, तुम ही तो कह रही थी कि वो तुमसे कुछ कहना चाहता था, पर तुमने सुना ही नहीं। अब सुनने को रहा ही क्या है? मेरी एक बात मानोगी? उसे एक बार मिल लो, आखिरी बार ही सही, पर मिल जरूर लो। मिलोगी ना? जनाब, आपने अब तक काम शुरू नहीं किया। मुझे हर हालत में शाम तक बनियान के सारे फोटोग्राफ चाहिए, क्लाइंट को भेजने हैं। जगत मुरारी साहब, आप देख रहे हैं पूरा सेटअप तैयार है, अब जब तक मेन मॉडल नहीं आएगा काम कैसे शुरू करेंगे?
आपने फिर इतने बिजी मॉडल को ले क्यों लिया? आप ही ने तो कहा था जावेद खान चाहिए, हिट मॉडल, पॉपुलर मॉडल, अब ले लीजिए जावेद खान को। आइए आइए लेट लतीफ साहब, कैसा रहा आपका हॉस्पिटल? रमेश के बच्चे मैं तेरा गला दबा दूंगा, याद रख। क्यों, क्या हुआ? तू मुझे अस्पताल में फंसा के चला गया और वो नूपुर आई और वो सब गलत समझ समझ के रो धो के घर चली गई वो। अच्छा ऐसा कर, फोन करके मना ले जा। सुबह से वही तो कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ, लगी नहीं रहा। उसने उठा के सबके सब नीचे रख दिए होंगे, उसका दिमाग तो तू जानता है। रमेश साहब अब देरी किस बात की है? अरे वो आपके जावेद खान साहब नहीं आते तो उनको ना आने दीजिए, दूसरा मॉडल ले ली। विजय बड़ी मुश्किल है, जरा कमीज उतार। कमीज उतार? अरे जब देखो तुम मेरे कपड़े उतरवाने पर तुले हो। दोस्ती की खातिर प्लीज। नहीं, नहीं नहीं, एक बार निभाई थी दोस्ती, वो अब तक रो रही है बेचारी घर पे बैठे। अच्छा अच्छा, काम की खातिर मेन मॉडल नहीं आया है, तू कमीज उतार। अच्छा तो बेटा तुम क्यों नहीं कर लेते, स्मार्ट बॉय तुम कर लो। ये कौन हैंडल करेगा, मुझे भी तो हैंडल करना है। प्लीज विजय साहब मेरी मदद कीजिए, वरना कंपनी वाले मेरे कपड़े उतरवा लेंगे। अरे कोई बीमारी फैली है क्या शहर में जिसको देखो मेरे कपड़े उतरवा रहे? विजय आज शाम तक असाइनमेंट कंप्लीट नहीं हुआ तो चोपड़ा साहब हमें निकाल बाहर करेंगे। अरे तो मैं क्या करूं? अब एक फर्स्ट क्लास सपोज लो, चलो ये पांव ऊपर रखो इसके ऊपर, और अब सीना फुलाओ, जोर से सांस लो, वेरी गुड। हाँ अब एक बहुत बढ़िया सा सिकंदर की तरह पोज लो। सिकंदर ने कौन सा पोज लिया? वेरी गुड, हाँ सिकंदर बनियान। प्रेम से हटिए, सिकंदर बनियान। चलिए चलिए झंडा जरा नजदीक आइए, आप भी चलिए सूजी प्लीज, वेरी गुड। अब हाथ कंधे पर से ले जाइए, दोनों दोनों, वेरी गुड। अब एक प्यार भरी नजर से देखिए बनियान को, होल्ड इट, कम ऑन, होल्ड इट। तो यहां पर ये सब हो रहा है? अरे नुपुर नुपुर ठहरो ठहरो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं बता, मैं सबको देख चुकी हूँ। मैं ये है बदमाश, इसने क्या है? मुझे यहाँ इमरती ने क्यों भेजा? मुझे क्या पता तुम इमरती? यू शट अप। देखिए यहाँ कुछ काम। अरे सब क्या हो रहा है, ये सब क्या मजाक है? देखिए ये सब मिलकर मुझे मार रहे हैं। उन्होंने मुझे मारा, मैं ऐसी जगह काम नहीं करूंगा जहाँ मार पड़ती है। नुपुर नुपुर रुक जाओ प्लीज। तुम इसी वक्त मेरे ऑफिस में आओ। मैं? हाँ तुम, और कपड़े पहन के आना। क्या समझ रखा तुमने इस ऑफिस को, मजाक? कोई काम ठीक से नहीं करते हो, हर काम में इनएफिशिएंसी बरतने लगे हो तुम। नहीं सर, वो बात ये हुई कि दरअसल वो शिव बूटी अगरबत्ती का पब्लिसिटी कैंपेन तैयार क्यों नहीं किया अभी तक? सर वो शिव बूटी अगरबत्ती वाले की डिजाइन में करना ही नहीं चाहता सर। व्हाट? हाँ सर, वो स्वामी उसमें चरस मिलाकर बेचता है, वो बहुत ही नालायक 420 किस्म का आदमी है वो स्वामी। हमें ऐसे लोगों को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देना चाहिए सर। आखिर हमारे हमारे दफ्तर का भी कोई उसूल है कि नहीं है? जरूर, सबसे पहला असूल तो यह है कि हम अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा बोलने नहीं देते हैं, और जो बोलते हैं वो ज्यादा देर तक यहां रहते नहीं। जी जी, और मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि तुम अपनी जरूरत से ज्यादा ही बोलने लग गए हो, कोई काम ठीक से नहीं करते हो, ऑफिस से गायब रहते हो। सुनने में तो यह भी आया कि तुम ओम सेठ की लड़की के साथ कुल छर्रे उड़ाते फिर रहे। ओम सेठ सर? सर नूपुर के साथ मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं ये तो मेरा पर्सनल मामला है, इससे दफ्तर का क्या लेना देना है? माफ कीजिएगा सर, अब आप अपनी हद से आगे बढ़ रहे हैं। शट अप, मुझे मेरी हदें समझाते हो? हद से बाहर तो अब तुम जाओगे, इस ऑफिस से बाहर ही रहोगे आज से। ये रहा तुम्हारा सस्पेंशन लेटर, नाउ गेट आउट। फरेबी, धोखेबाज, बेईमान। क्या हुआ? मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहती। किसकी? कुछ बताओगी भी? तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं मुझे उसके पास भेजा था, मैंने कहती थी वो एक नंबर का शैतान है। पर बेबी वो एक बहुत खबरदार मुझे बेबी कहा, खबरदार आगे से मुझे बेबी कहा तो। आज तुम्हारी वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई, आगे से उसका इस घर में आना बंद, और डैडी से कह दो वो घर में आए उसे अंदर नहीं आने देना। तो अंदर किसने आने दिया तुमको? मुझे नुपुर से मिलना है। खबरदार जो उसका नाम भी लिया अपनी जबान पर, इतना कुछ करने के बाद भी यहाँ आने में शर्म नहीं आई तुम? आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं नुपुर से। खामोश। मैं हमेशा समझाता रहा उस नादान लड़की को, दोस्ती और प्यार बराबर वाले लोगों के साथ की जाती है, लेकिन वो बेवकूफ थी। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ जो वक्त से पहले ही तुम अपनी असली हैसियत पर आ गए, मिस्टर विजय कुमार। घटिया औकात छुपाने से कभी नहीं छुपती। गेट आउट। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो मेरा?
चले थे महलों का ख्वाब देखने। मुझे सिर्फ एक बार। अब क्या धक्के देकर निकलवाना पड़ेगा तुम्हें यहां से? नूपुर की मेहरबानियों को अपना हक समझ लिया? तुम हो क्या दो टके के लोफर? गोरखा गोरखा, साहब को बाहर का रास्ता दिखाओ। अब गोरखे को इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हैं आप? बाहर का रास्ता तो मुझे भी याद है ना। जलता है दिल तो उठता है धुआं, फिर क्या होता है? हाँ, फिर आदमी ढूंढता है साला अंधा कुआं। मैं क्या तुसी अन्नी क्यों पिंदे हो जी? अरे मेरे प्यारे प्राजी, वो जड़ी कुड़ी है ना, ऐसा बाल बना के बैठी है, मेरी गर्लफ्रेंड है। और वो जड़ा उलूदा पठा मुंडा है ना, चश्मा पाके बैठा है, कौन है? उसका बॉयफ्रेंड है। तो फिर तुसी कौन हो जी? तू भाई इसका बंदा जी, घटिया नो वैल्यू साला लोफर सड़क साहब बोल के गेट आउट मिल जा। गेट आउट, गेट आउट का मतलब मुझे क्या मालूम कि विजय भी इधर होंगे। अच्छा अब चलो यहाँ। बट अरे हमने वो रोज चिकन ऑर्डर कर रखे हैं। साइडी प्लीज साइडी, कम ऑन नूनू, द रोज चिकन इज डिलीशियस हो गया। टू हेल विद योर रोज चिकन, चलो ना यहाँ। नूनू तुम समझती क्यों नहीं है? बच गए बच गए, मुझ जैसे घटिया आदमी से बच गए जी, लोफर सलाद दो कौड़ी का। सर प्लीज सर, बाहर है सर। बाहर तो मैं हूँ मेरे मूछ वाले भाई, उसके बाप ने भी बाहर निकाल दिया, तुम भी बाहर निकाल दो। मैं साला दो कौड़ी का आदमी हूं, घटिया साला लोफर, तमीज नहीं है मेरे को। मैं तो चिल्लाऊंगा। प्लीज चिल्लाइए मत सर। नहीं नहीं, मैं बराबर चिल्लाऊंगा, मेरे को तमीज नहीं है, मैं तो लोफर हूं। देखा पराजी, जूड़ा डाल के आती है उसके साथ, और वो चश्मे वाला उलूदा पठा टोपी पहन के आता है होटल में। काउबॉय है साला, अमेरिका का काउबॉय मालूम है, गाय का बच्चा, टोपी पहन के आता है मेरी गर्लफ्रेंड को साला, टोपी पहन के लेके आता है। ठीक है लगे रे भाई, मैं तो घटिया आदमी हूँ, उसके बाप ने बोला था तुम्हारा कोई हैसियत नहीं है, ऐसा बोला था उसके बाप ने, कसम से मेरा कोई। ए हेलो विजय, हाउ आर यू? साइडी चलो। बहुत बहुत लकी मैन है आप, वेरी लकी मैन, मुबारक हो। थैंक यू नूपुर जी। नूपुर जी आपको भी बहुत मुबारक हो, कैसा प्यारा सुंदर साथी मिला आपको। विजय आप तो शहंशाह है, शाहजहान है आप। यस 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 शाहजहान, यस मुबारक हो। यस यस मुबारक। नूपुर जी आपको भी बहुत मुबारक। आप पीकर बहुत डायनामिक बातें करते हैं। पीके करता हूँ मैं, शराबी तो पिए, किसी का खून तो नहीं किया। यस यस यस, किसी को घर से बाहर तो नहीं निकाला। यस घटिया बोल के विजय, इज्जत नहीं है बोल के विजय। बाद में मिलेंगे, अभी जाना है। मैं लेकर आते, तुम ये कहना कि जाने नहीं। साइडी साइडी नूपुर, नूपुर देखो तुम मुझे गलत समझ रहे हो। नूपुर देखो ऐसा मत करो, मुझे बर्बाद मत करो। मैं देखो मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ नूपुर। मैं इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। एक 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 मिनट मेरी बात सुन लो, उसके आने से पहले एक मिनट मेरी बात सुन लो। अब सुनने को रहा है क्या है, काफी कुछ तो सुन लिया है ऊपर। नूपुर ऐसा ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नूपुर मर गए, बर्बाद हो गए, टायर पंक्चर हो गया है, फ्लैट। तुम्हारे पास गाड़ी भी है? यस, अब क्या करें? स्टेपनी है, टायर बदल लो। गुड आइडिया, पर लेकिन मेरे को टायर बदलने नहीं आते, तुमको आते? हमको आता है। हे गुड, लेकिन हम बदलेगा नहीं। नहीं बदलूंगा, नहीं बदलेगा। Why not? अरे नहीं बदलेगा, नहीं हमारा मर्जी, हम नहीं बदलेगा। तुम कौन होता बोलने वाला? Hey, you're a very strange man. साला टोपी पहन के होटल में आता है, गाय का बच्चा, साला हमारे को स्ट्रेंज बोलता है। हम स्ट्रेंज है, तुमको क्या करने का बोलो? Hey. कभी क्या करने का तुम्हारे को? विजय मैं तुमको बहुत शरीफ जेंटल ह्यूमन बींग समझता था। तुमको गलत फहमी हो गया था, वो क्या तुम लोग बोलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग।
हम नहीं है शरीफ, हम सारा बहुत बदमाश डर्टी ह्यूमन बींग है। अभी जाओ तुम इधर से, तुम्हारा गर्लफ्रेंड को लेकर दूसरा होटल में जाओ। नॉनसेंस, जाओ सारा। हे रिक्शो, हे रिक्शा वाला, हे रिक्शा वाला उठो, रिक्शा वाला उठो। ए, घर पे नहीं है। सुनो सुनो, क्या तुमको कार का टायर बदलना आते हैं? क्या, किसका? कार का टायर बदलने आते हैं? आता है। आ, गुड गुड, चलो चलो चलो, कम ऑन। अरे मैडम, अरे वाह, अरे आदाब आदाब, कहिए कैसा है चमन? शट अप। अरे मेरे दोस्त, मेरे दोस्त, अरे कैसा है, ना? कैसा है दोस्त? बहुत बढ़िया। कैसा है? अरे ये क्या, ये कभी लिया? आई बस ले लिया, घंटी में बज दिया। ऐसी की करते करते हमने कहा बहुत हो गई, अब जरा थोड़ी सी कसरत, तू कसरत करता है? अरे मेहनत की जाए, सो जुट गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करता, बहुत अच्छा। टकरा गए तुमसे। तू गंगा की मौज, वो जमुना की धारा, ये बीच में कहां से आ गया गंदा नाला? ए सुनो सुनो, बहुत गड़बड़ है। गड़बड़ सुनो, क्या है? सुनो, जरूर कार के टायर बदलने हैं, मैं तुमको 50 रुपए देंगे। नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा मेरा दोस्त, मत बदलना। टोपी वाले का अच्छा, मैं कार का टायर, मैं तुमको 100 रुपए देंगे। अबे 1000 देगा तो भी नहीं बदलूंगा मैं यार के साथ। धोखा नहीं देगा, देगा देगा मेरा, देगा मेरा। अरे देगा देगा, कैसा वापस आने का है? टैक्सी। हे नूनू, वो पतत मेरे कार। टू हेल विद यू, तुम बैठो उसमें, मैं जा रही हूँ। चल 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 चल, लपक लपक, पीछे चल पीछे चल। नूनू टेनिस के पहले लेसन, दिस इज अ बॉल, इसको बाएं हाथ में पकड़ो, एंड दिस इज द रॉकेट, अ रैकेट, इसको दाएं हाथ में पकड़ो, और रिसीव करने के लिए स्टांस ये है। ओके, अब मेरा सर्विस ध्यान से देखो। एक्सक्यूज मी, अब तुम्हारी बारी। Good try, good try. Once more. पटाखा है एकदम लड़की। Shut up. काम से काम रखो। देखो वो इधर ही आ रही है। नहीं भाई नहीं, अब हम विजय को नहीं बचा सकते, वो गया हाथ से बेचारा। मगर उसकी ये हालत हुई कैसे? अरे क्या पूछती हो, अच्छी खासी नौकरी थी भाई के पास, बड़े अफसर थे, खूब कमाई थी, ऐश थी ऐश। अरे तो फिर हुआ क्या? इश्क, किसी अमीर ओम सेठ की लड़की नूपुर से इश्क हो गया, और ये अमीर लड़कियां किस तरह की होती हैं तुम तो जानती हो। छोड़ गई उसे? नहीं, वैसे गलती उसकी भी नहीं, एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलत फहमी, पहले एक हुई फिर दूसरी। कौन सी, छुट्टी वाली? हाँ हाँ वही तो। अरे जब मैं झूठी सी क्लीव लेकर हॉस्पिटल में था ना, तो एक रात थोड़ी मस्ती करने का मूड। अच्छा। तो मैं विजय को अपने बिस्तर पर सुलाकर वहाँ से खिसक गया। फिर? और तभी इनकी मेम साहब इन्हें देखने वहाँ टपकी। और तभी आ गए हमारे बॉस साहब। अच्छा। उन्होंने बेचारे विजय को बहुत डांटा, खास तौर से लड़कियों को लेकर। दैट्स परफेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। मगर विजय को तो उससे मिलकर बताना चाहिए था। बड़ी कोशिश की मगर नूपुर टस से मस नहीं हुई, ये अमीर लड़कियां और इनका इन्वॉल्वमेंट ऐसे ही होता है। मगर विजय बेचारा तो मारा गया ना बेचारा, सुना आजकल रोज शराब पीता है। शराब, मौज कर रहा है मौज। कोई आई है मुन्नी भाई फैजाबाद से, रोज शाम को मुलाकात होती है बाग में, डेली विदाउट फेल। अच्छा। हाँ कौन से बाग में है? आप कौन? मुझे छोड़ो, विजय को मुसीबत में फंसा के यहाँ नींबू पानी पी रहे हो? बदतमीज, अमीर लड़कियां नहीं तुम जैसे दोस्त खराब करते हैं जिंदगी। One minute, ma'am. आप कहीं नीलम उफ नूपुर तो नहीं? You mean to say? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकती। Shut up. ये बताओ विजय कौन से बाग में है? बताता हूँ, जल्दी बताओ। बताता हूँ, अरे छोड़िए तो सही, बताता हूँ। All right. Nunu. Thank you.
सुन उमरिया, अरे 16 बरस की कमसिन उमरिया, उस पे ये नागिन सी चाल गुजरिया, जीने न दे उमरिया, जीने न दे गुजरिया, जीने न दे उमरिया, जीने न दे। जानू जिया में अरे क्या है तुम्हारे, जानू जिया में क्या है तुम्हारे, अपने नजरिया संभाल नजरिया, जीने न दे सवरिया, जीने न दे नजरिया, जीने न दे सवरिया, जीने न दे। गलियों का गजरा सजाए, गोकुल की गलियों का गजरा सजाए, कलकत्ते का जुल्मी गजरा रचाए, जयपुर का केसरिया लहंगा मंगाए, झांकर बजाए ठुमका लगाए, ओढ़े चुनरिया लाल चुनरिया, जीने न दे गुजरिया, जीने न दे। जानू जिया में क्या है तुम्हारे, अपने नजरिया संभाल नजरिया, जीने न दे सवरिया, जीने न दे नजरिया, जीने न दे सवरिया, जीने न दे। कमसिन उमरिया, उस पे ये नागिन सी चाल गुजरिया, जीने न दे उमरिया, जीने न दे गुजरिया, जीने न दे उमरिया, जीने न दे। दिल
उमरिया, सोलह बरस की कमसिन उमरिया, उस पे ये नागिन सी चाल गुजरिया, जीने न दे उमरिया, जीने न दे गुजरिया, जीने न दे उमरिया, जीने न दे। कॉफी? थैंक्स इमरती, नहीं कुछ नहीं लेंगे। क्या बात है साईदी साहब, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ इमरती, परेशान तो मैं हूं। क्यों इमरती? ये बीजे और नूर का मामला बहुत गरीब है। हाँ बहुत, बेबी तो आपको बहुत पहले से कहना चाहती थी मगर आपने ही सुनने का मौका नहीं दिया। मुझे आपके लिए बहुत बुरा लगता है पर साईदी साहब वो दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। तो जो के पाई अगर चाहते तो और चाहे मिट जान बच गए। तो फादर है जो कहते हैं कि नूनू से शादी मनाने हैं। मैं आपकी हालत अच्छी तरह समझती हूँ, कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं आप, पर साईदी साहब इसमें उन दोनों की क्या गलती? कोई नहीं, उनका कोई गलती नहीं, मेरी तो प्रॉब्लम ही कुछ और है। क्या इमरती? मैं तो शुरू से किसी और को चाहते हैं। क्या नहीं नहीं मेरी जान, ये सुबह की बुलबुल की आवाज नहीं, ये तो चकोर की आवाज है। क्या था ये चकोर? तुम्हारी मर्दूद पड़ी हुई है। सुनो ना, तुम्हारे डैडी कब आएंगे? मैंने कहा ना लेट आएंगे, बाहर गए हैं। बात लेट आएंगे? अब सुनो। नहीं नहीं मेरी जान, ये बुलबुल की आवाज नहीं, ये तो चकोर की आवाज है। मेरी बात सुनो, देखो ये रात, ये तन्हाई, ये पकोड़े, तुम बीच में शेक्सपियर को क्यों कुदा रही हो? मौके का फायदा उठाओ। देखो वैसे भी इस देसी पकोड़ों और शेक्सपियर का कोई तालमेल है क्या? बताओ है? नहीं है ना? तो हटाओ इसको, हटाओ, मेरे पास आओ। मुझे डर लगता है तुम्हारे पास आने से, मुझे होश नहीं रहता। ये तो और भी अच्छा है, ना कुछ याद रहे, ना होश रहे, ना कुछ रहे। आ जाओ मेरे पास। ओहो लो पकौड़े खाओ, घंटे भर से तो पकौड़े ही खा। अरे वाह, सॉस खाओगी? सॉस खाओगी? तुम्हारी बाहों में कितना सुकून है। और तुम्हारी बाहों में जिंदगी भर का आराम, उम्र भर का सुख, जमाने भर की खुशी। अर्जुन दास, अर्जुन दास। कौन आ गए? डैडी। तुमने तो खाना बहुत देर से आएंगे, डैडी कैसे आएंगे? अब आ गए तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं, मैं खा चुकूं। कहीं भी मैं उनको रोकती हूँ। अरे बाप रे बाप, विजय कुमार जी आप? अरे अर्जुन दास जी आप यहाँ? आप सेठ जी से मिलने आए? अरे नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्या कर रहे हैं आप? जरा सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए ना अर्जुन दास जी। कि मैं समझा नहीं? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज कर लीजिए आपकी एक महबूबा है और आप उसके साथ कमरे में बंद है और चाबी खो जाती है। नहीं, उसका बाप आ जाता है तो आपकी क्या हालत होगी?
आपकी गिग्गी बंद हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगी, मेरी गिग्गी बंद है। अच्छा हाँ, अब आप मुझे बचा लीजिए, मेरी इज्जत आपके हाथ में। सर जी आप, मैं बस किससे बातें हो रही जी? वो मैं कुत्ते से बात कर रहा था। व्हाट डैडी, अब पानी गर्म हो गया। यस बेटे, नूपुर बेचारी तुम्हारा काम कर रही है और तुम यहाँ बेवकूफों की तरह कुत्ते से बातें कर रही हो। अभी जाता हूँ। नूपुर बेटे जी। डैडी गुड नाइट। गुड नाइट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी उठो, चलो। तुम्हारे डैडी ने अच्छा नहीं किया। ओ, अभी कुछ मत सोचो, जल्दी करो। भगवान उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। जल्दी जल्दी करो। मेरे जूते कहाँ चले गए? तुम्हारे जैकेट। जूते हैं मेरे। विजय जाओ, जाओ। ओहो जाओ ना, यहाँ से नहीं वहां से, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जाओ। लेकिन आप कहाँ और मैं कहाँ? ओ इमी डार्लिंग, ये कहाँ कहाँ क्या लगा रखे हैं? तुम यहाँ और मैं यहाँ इस फनी फाउंटेन वाले गार्डन में। मेरा मतलब था कि मैं एक नौकरानी और आप। स्वीटहार्ट, प्यार दिलों के होते हैं, चेकबुकों के नहीं। लेकिन आपके पिताजी। इमी, ये शादी मेरे फादर कर रहे हैं या मैं? मैं जहाँ चाहेंगे वहाँ शादी करेंगे। ओके, इसमें गड़बड़ करने कोई जरूरत नहीं है। लो थोड़ा पकौड़ा खाओ, खाओ, कम ऑन, हैव इट, हैव इट, हैव इट, हैव इट। लवली। अब तो सारा जिंदगी इस तरह से पकौड़े खाते रहेंगे, खूब पकौड़े खाएंगे ऑल माय लाइफ। तुमको और का क्या बनाने आते हैं? बोलो, शर्माओ नहीं। डरा रही थी सीता माता ने। हाउ एक्साइटिंग। के कया? बहुत अच्छा। प्लीज आप आगे बोलिए, प्लीज आप आगे बोलिए ना। आगे तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तू अपनी टांग आने समेट के बैठ। वो रामायण सुनाने में डिस्टर्बेंस हो जावा है। सुनाते सुनाते ध्यान कहीं और चला जाता है। मैं इस करके रामायण नहीं सुनाता। बस बस बाकी अगले संडे ना। प्लीज खजू चाचा सुनाइए आगे क्या हुआ। लो पप्पू आ गया। अरे जनरल बॉडी की मीटिंग चल रही है क्या? कहाँ थे भाई, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? 3 घंटे हो गए, आधी रामायण सुन चुके। अरे सबके सब साथ है, खैरियत तो है? नहीं गड़बड़ है। क्या हुआ? वो शिवबूटी वाला स्वामी था ना। हाँ तो क्या हुआ उसको? उसने हमारी एड एजेंसी पर कब्जा कर लिया, ऊपर वाले कमरों में गोदाम बना लिया। पता नहीं क्या क्या भरा हुआ उसमें, हमें तो बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है हम किसी एड एजेंसी में नहीं बल्कि किसी स्मगलिंग के अड्डे में काम कर रहे हैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता विजय, कुछ समझ में नहीं आता। आखिर करें तो क्या करें, पुलिस के पास भी तो नहीं जा सकते हम लोग। तो चोपड़ा साहब से कहो ना, चोपड़ा साहब कुछ नहीं करते। नहीं वो भी उनसे मिले हुए, सब मिली भगत। आई थिंक विजय समथिंग इज फिशी। अरे कोई कांटे वाली मछली पकड़ी सा है, बहुत गड़बड़ मामला है। हां बेकार की बातें मत किया करो। और स्वामी की खुफिया मीटिंग के बाद कुछ फोटो और कागजात मिले हैं, देखो। अरे ये तो नूपुर के घर का फोटो है। नूपुर के घर का? ये क्या है? नूपुर बेटे। आई डैडी। क्या बात है बेटे? डैडी वो। हाँ हाँ बोलो, तुम चीखी क्यों थी? बुरा सपना देख रही थी। सपना, सो जाओ। देखो बेटे अगर डर लग रहा हो तो मैं भी यहाँ। नहीं नहीं ठीक है। ओके गुड नाइट। मैडम कैसे?
कैसा है चमन? कौन हो तुम? मैं अरे नुपुर, ये तो हमको बाग में मिला था, तुमने पहचाना नहीं? हाँ अरे भूल गई, जब चमन में मिले थे फूल जब खिले थे गुनगुना रहे थे भंवरे खिल रही थी कली दो दो कली कली भाई। हाँ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे लग अरे मैं तो चूड़ी बनू। हाँ ये भी एक साइड बिजनेस खोल रखा है, छोटी मोटी चोरियां कर लेता हूँ, अमीरों का कुछ जाता नहीं और अपना वेलफेयर पॉइंट चलता रहता है। और आपके आने में तो मुझे जरा से भी दिक्कत नहीं हुई, नीचे तो आपके वो लगी हुई थी वो सीढ़ी। हाँ सीढ़ी। हाँ अरे वो तो मैं सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आया था ना। हाँ अरे मुझे क्या पता था कि आपका घर है? घर। हाँ अगर मुझे पता होता कि ये इनका घर है ससुराल है तो मैं यहाँ कभी चोरी करता? तो मैं चोरी और आपके ससुराल में कभी नहीं, कभी नहीं। मुझे माफ करना, आप तो खैर कोई चांस ही नहीं है। अच्छा भी चलता हूँ, वैसे आज बहुत बिजी शेड्यूल है, चार पांच चोरी और करनी है। फिर चलता हूँ, बाय बाय, मिलते रहना फिर। ओके हाथ मिला लेती तो अच्छा था। नमस्कार। नमस्कार। देखा तुम्हारा दोस्त मेरे घर में आके चोरी करता है? अरे ये तो बहुत मामूली बात है, मैं तुमसे और तुम्हारे डैडी से इतनी जरूर। हाँ मैं, ताज्जुब हुआ ना, सच कहती है दुनिया, इंसान सबसे जीतता है, हारता है तो सिर्फ अपनी औलाद। नूपुर नूपुर तुमने मुझे जीते जी मार दिया। डैडी मेरी बात तो सुनिए। डैडी आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपसे बहुत जरूरी काम। अमोश बेशर्म, इतनी जलील और गिरी हुई हरकत करने के बाद भी मुझसे बात करने की जरूरत हो रही है तुम्हें? रात के 2 बजे जरूरी काम। आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए अब भी मुंह लगने, डैडी मुझसे मुंह लगने की हिम्मत कर रहे हो तुम? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। और अगर आइंदा इस घर के आस पास भी दिखाई दिए तो जान से मरवा दूंगा। गेट आउट, आई से गेट आउट। डैडी वो आपसे जरूरी बात करने आए थे आप। बस बहुत हुआ नूपुर, मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया तुमने। मेरी दी गई आजादी का मतलब ये था कि तुम मेरी इज्जत से खेलो। आज के बाद तुम्हारा घर से बाहर निकलना, तुम्हारा थिएटर सब बंद। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। क्या मैंने तुझे इसलिए पढ़ाया लिखाया था, बाहर भेजा था और बड़ा किया था ताकि तुम एक नौकरानी से शादी कर लो? फादर ये आपकी नौकरानी हो सकती है लेकिन मेरी तो होने वाली बीवी है, मेरी जात पात ऊंच नीच कोई फर्क नहीं पड़ते हैं। तमीज, मुझे भाषण मत दे। हाथ नीचे कर, इससे तेरी शादी बिल्कुल नहीं होगी। इम्पॉसिबल, मैं तय कर चुके हैं। इम्पॉसिबल को तो मैं पॉसिबल बनाऊंगा, तेरा बाप हूं मैं, तेरी शादी नूपुर से ही होगी। पॉसिबली? हाँ यस, जबरदस्ती। अगर तू नहीं करेगा तो तुझे उल्टा पंखे से लटका दूंगा, गधा कहीं का। फादर अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो मैं सेठ अंकल को बता देंगे कि मैं नूपुर से प्यार नहीं करते हैं, और उनको भी बता देंगे कि वो इस काम के लिए कभी हाँ ना करें। डोंट बी सो शॉक्ड फादर। इमी डार्लिंग, मेरे ख्याल से फादर के लिए थोड़ा सा नींबू पानी लाने के हैं। मीठा या नमकीन? शट अप एंड गेट आउट। तुम्हारी वजह से हमारे इस काम में देर हो गई। जानते हो अगर मूर्ति को हासिल करने में देर हो गई तो क्या होगा? स्वामी जी मैं कोई दूसरा तरीका सोचता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा समय और दीजिए। ना ना बिल्कुल नहीं, अब तुम नहीं सोचोगे। जब तक तुम्हें एक झटका नहीं मिलता तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं आएगा। नहीं नहीं स्वामी जी, आज वो दिन आ गया है जबकि तुम्हें तुम्हारा इनाम दे ही दिया जाए, जिसके बारे में हम अक्सर तुम्हें बताया करते हैं। कैसा इनाम? इसे पहचानते हो? ये गुड़िया तो मेरी बेटी की थी, बचपन में वो इसे हमेशा अपने पास रखा करती थी। हाँ जब वो हमारे साथ सफर में थी तब भी ये गुड़िया उसके पास थी। उसी सफर नहीं तो मेरी बीवी और मेरी बेटी को मुझसे छीन लिया था। बीवी को छीन लिया, बेटी को नहीं। तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है। क्या क्या कह रहे हो? मुझे विश्वास नहीं, कहाँ है? हमारे पास। आपके पास? हाँ। आपने उसे बचाया और मुझे बताया तक नहीं? ऐसे सुनहरी मौके के लिए हमने उसे संभाल कर रखा था। स्वामी जी एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपनी बेटी से मिलवा दीजिए। जरूर जरूर मिलवाएंगे, लेकिन तब जब तुम हमारा काम करोगे। तब तक उसकी गुड़िया से अपना दिल बहलाओ। पापा पापा, हेलो पापा, मैं मिठू बोल रही हूँ, आप जल्दी आओ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। पापा मेरे लिए एक वॉकी टॉकी डॉल लाना, नहीं
लाओगे तो मैं आपसे कभी नहीं बोलूंगी। लाओगे ना पापा? प्लीज पापा, प्लीज आप जल्दी आना। कितनी देर से वेट कर रहा हूं, तुम फोन क्यों नहीं करती? हेलो, हेलो विजय। हाँ, नुपुर, नुपुर कैसी हो तुम? विजय, विजय मुझसे अब रहा नहीं जाता, मुझे यहाँ कर ले जाओ। पापा ने मेरा बाहर आना जाना भी बंद कर दिया है, आखिर ये कब तक चलेगा? नुपुर, नुपुर, नुपुर रो मत। देखो देखो, तुम जानती हो मैं तुम्हारे रोने से किस कदर परेशान हो जाता हूँ। मैं मर जाऊंगी विजय, इस तरह मैं मर जाऊंगी। ऐसी बातें क्यों करती हो नुपुर? देखो देखो, मैं कुछ ना कुछ चक्कर चलाता हूँ तुम्हें वहां से निकालने के लिए, हैं? तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए ना, हैं? देख, इस तरह हारो मत नुपुर। मैं हारी नहीं हूँ विजय, मगर मगर तुमसे ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। मैं क्या नहीं जानता नुपुर, मैं कल ही कुछ ना कुछ करता हूँ तुम्हें वहां से निकालने के लिए। तुम मुझ पर भरोसा रखो, हैं? अब जरा सांस दो, मुस्कुरा दो थोड़ा सा, प्लीज मेरे लिए। ये हुई ना बात, पगली, प्यार हंसाने के लिए होता है, रुलाने के लिए थोड़ी होता है। आई लव यू विजय, आई लव यू। आई लव यू टू। तो फिर हो जाए इसी बात पर। नहीं नहीं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। इसका थिएटर वेटर सब कुछ बंद कर दिया है मैंने। पर अंकल, हम ये शो अपने फायदे के लिए थोड़ी कर रहे हैं, बल्कि ब्लाइंड स्कूल के लिए कर रहे हैं। और फिर अगर आप मना कर दें तो मैं क्या करूं फिर? अरे सेठ अंकल, आप चाहते हैं कि हमारे इतने दिनों की मेहनत पर पानी फिर जाए? पानी? अरे बाढ़ आ जाएगी बाढ़ सेठ जी, सब कुछ बह जाएगा, तबाह हो जाएगा, बर्बाद। पापा प्लीज पापा। लेकिन तुम्हारा ये रोल कोई दूसरा भी तो कर सकता है। यही तो मेन प्रॉब्लम है कि नूपुर के अलावा ये रोल और कोई नहीं कर सकता। सेठ जी, ये ड्रामे की रिहर्सल करते करते मेरा थैला फट गया, मेरा कुर्ता फट गया। अगर ये ड्रामा फट गया ना तो मेरी तो किस्मत फट जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। पापा प्लीज पापा। हाँ पापा। मगर तुम? मगर? अरे मगर मत कहिए, मगर पत्थर जैसा लगता है, सर फूट जाएंगे हम लोगों के भाई। नुपुर तुम कुछ बोलो ना। पापा ये लोग इतना कुछ कह रहे हैं, आप हाँ कह दीजिए ना। नुपुर, नहीं का मतलब सिर्फ नहीं होता नहीं है। अरे गरीब मजदूरों के बच्चों के लिए आपके दिल में जरा सी भी जगह नहीं? ऐसा करो ना, आप भी हमारे ड्रामे में एक गुस्ट अपीयरेंस कर लो। कैसे अपीयरेंस? हाँ, और वही। कहानी भी बहुत महान लिखी गई है भैया। मोरी ताऊ बहुत खुजायो खिजायो। हाँ, सूरदास का रोल आप पर एकदम फिट रहे। कौन? मैं? नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। अरे तो मत करो। पर नुपुर ने तो भेज दो। पापा भेज दो ना। नहीं नहीं नहीं, सेठ जी, गरीब मजदूरों के बच्चों की बदवाएं आपको लगेंगी, आपका घर तबाह हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, समझे? तमेश, तमेश, टेंपर ढीला ना कर, ना कर। सॉरी, भेज दीजिए ना नुपुर ने। अंकल पापा, मेरी हाँ कह दीजिए ना। मैं पैर पड़ रहा हूँ, मेरे ड्रम में हाँ। बस बस बस, मैं कॉस्ट्यूम लेके आ रही हूँ, जल्दी करें। मगर देखो सुनो, विजय नाम का लड़का वहाँ नहीं आने पाए। विजय? केड़ा विजय? कौन? वो अपना धोबी? अच्छा, नहीं नहीं, वो नहीं, वो एक बहुत लफंगा लड़का है, बहुत दिनों से नूपुर के पीछे पड़ा हुआ है। सेठ अंकल, आप हमारा इत्मीनान कीजिए, यकीन रखिए वो आसपास भी नहीं आएगा। अरे जब तक हमें सेठ जी, वो फटक ही नहीं सकता। हाँ, मेरा भरोसा कीजिए आप। चलो चलो, अच्छा डैडी चलो उठो। चलो चलो नूपुर जी, वापस कब आओगे? दो दिन बाद, सिर्फ दो दिन बाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। चलो भाई चलो। आपका है इधर। चलो भाई चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते। चलो भाई। कब जाने अनजाने बेगाने
एक दूजे के हो गए। ओ जहाँ हम एक दूजे के हो गए। देखो तुम भी देखो गलियां क्यों शर्मा रही है। देखो तुम भी देखो गलियां क्यों शर्मा रही है। ऐसे कैसे कैसे अमरों को तड़पा रही है। अनजाने बेगाने दीवाने यहाँ हम एक दूजे के हो गए। बिल्कुल झूठ। तुम और तुम्हारे स्वामी दोनों झूठे। मेरी बहन मर चुकी है कई साल पहले। मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। अगर वो मूर्ति स्वामी को नहीं मिली तो आपकी बहन की जान खतरे में पड़ सकती है। अच्छा तुम ये बता सकते हो कि स्वामी ने मेरी बहन को कहाँ छुपा के रखे हैं? ये तो मुझे नहीं पता। तो फिर मुझे कौन सा राज बताने आई हो? ये भी तुम और तुम्हारे स्वामी को नई चाल लगती है। कोई चाल नहीं है, मेरा विश्वास कीजिए। तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? मैं नहीं चाहती कि वो मासूम लड़की भी मेरी तरह स्वामी के चंगुल में फंस जाए।
बहुत खतरनाक आदमी है वो, प्लीज उसकी जान बचा लीजिए। अगर मेरे पर विश्वास नहीं तो अपने डैडी से पूछिए। फादर, क्या मीठू जिंदा है? बताइए, जो मैंने सुना क्या वो सच है? हाँ बेटा। व्हाट? मीठू एक्सीडेंट में बच गए थे, आपने मुझे खबर तक नहीं की? क्या बताऊं बेटा, मुझे भी नहीं पता था कि एक्सीडेंट के बाद मीठू जिंदा रह गई। आपको नहीं मालूम थे? आई डोंट बिलीव इट। बेटा, स्वामी जी ने मुझसे बहुत बड़ा धोखा किया, ये सब मेरी गलती। ये सब होने के बावजूद आप उस स्वामी के साथ काम करते रहे? बेटा, मैंने बताया ना कि मुझे भी अभी पता चला है। डैडी, मैं नहीं जानते थे कि आप इतना गिर सकते हैं। पैसे के लिए बेटी को बलि पर चढ़ा दिए? नहीं नहीं बेटे, ऐसी बात नहीं। डैडी, मैं ये तो जानते थे कि आप काले धंधे करते हैं, लेकिन उसी कीमत मेरी बहन को चुकानी पड़ी ये नहीं जानते थे? वो उन जानवरों के कब्जे में आप घर में चुपचाप बैठे हैं? बेटे, मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। स्वामी जी ने मिठू को जान से मार देने की धमकी दी। तो ठीक है, अपनी बहन को मैं छुड़ा कर लाएंगे। आपको अपनी जान प्यारी है तो बैठिए घर में। नहीं नहीं बेटे, तुम मत जाओ, स्वामी बहुत खतरनाक आदमी है। हेलो हेलो, चोपड़ा साहब, मैं अर्जुन दास बोल रहा हूँ साहब। जी, आप यहाँ फौरन चले आइए, सेठ साहब को दिल का दौरा पड़ा है। कब? अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, हाँ मैं अभी आया। पीस ऑफ माइंड, अब क्या मिलेगी इस मन को शांति? जरूर मिलेगी सेठ जी। कैसे? इमरती, तुम जरा बाहर जाओ, स्वामी स्वामी जी से मिलके उनके दर्शन पाके। बताओ क्या देखी, बताओ क्या देखी, बताओ। बिना हमसे पूछे आश्रम के बाहर क्यों गई थी? नहीं, जो हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता उसको हम कभी क्षमा नहीं करते। स्वामी जी, बता क्यों गई थी? स्वामी जी, स्वामी जी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। सेठ जी ने आपको याद किया, आपको घर पे बुलाया। चलिए भंडारी, भंडारी। हम जानते हैं कि तुम्हें कई चिंताओं ने घेर रखा है, तुम्हारा मन बहुत उदास है, तुम्हारे मन की शांति चली गई है। लेकिन ये कहना बहुत आसान है कि मन की शांति चाहिए, मन की शांति चाहिए। उसको पाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और वो माध्यम हम हैं। हम वो शांति तुम्हें वापस दिलाएंगे। हमारी आंखों में आंखें डालकर देखो, मेरी आंखों की ज्योति तुम्हें आत्मा का प्रकाश देगी। भंडारी, भंडारी। ओए पगड़ी वाले, रुक, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? हम स्वामी जी के चेले हैं, चमचे हैं, भक्ति कर रहे हैं। भाई मुझे जाने दो, पर जाना मना है भाई, स्वामी जी का आदेश है। पर सेठ जी की तबीयत खराब है, मुझे दूध ऊपर पहुँचाना है भाई। अरे, तो दूध हम पी लेते हैं ना। अरे पर ये छोड़ो मुझे, छोड़। स्वामी जी, मेरा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। भंडार, अपने मन को हीरे की तरह पारदर्शी बनाओ, हम सब जानते हैं, हमसे कुछ मत छुपाओ। वो अपनी खानदानी मूर्ति हमारे चरणों में लाकर डाल दो। लेकिन लेकिन स्वामी जी, वो मूर्ति मेरे पुरखों की निशानी है। तुम्हारे सारे कष्टों का कारण यही मूर्ति है। जब तक वो मूर्ति तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हें कभी मानसिक शांति नहीं मिल सकती। लेकिन स्वामी जी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, अभी तक मोह माया में फंसे हुए हो। क्रोधाधवति सम्मोहात्, सम्मोहात्ति विभ्रम, प्रतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो। बोलो, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति कहाँ है? बोलो, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति कहाँ है?
ना वो मूर्ति मैं नहीं दे सकता, नहीं दे सकता वो मूर्ति मैं। वही मूर्ति तुम्हारे सर्वनाश का कारण है। हटाओ, हटाओ उस मूर्ति को अपने घर से। जब तक वो मूर्ति तुम्हारे इस घर में रहेगी, तुम्हारी बिटिया कभी वापस नहीं आएगी। बोलो कहाँ है वो मूर्ति, बताओ कहाँ है वो मूर्ति? मेरे घर के मंदिर में। मंदिर में कहाँ? शिवलिंग के अंदर। बेबी जल्दी करो, घर में बहुत चक्कर है, बहुत गड़बड़ हो रही है। घर में कोई स्वामी घुसा है, स्वामी सेठ सब पर बहुत चक्कर चला रहा है। भक्ति मुक्ति मृग नहीं, मूर्ति मिल गई, मूर्ति मिल गई, आओ चले मंदिर में। मूर्ति मंदिर में नहीं है स्वामी, मेरे पास है। हमसे ज्यादा होशियार हो गए चप्पू, हमसे पहले ही मूर्ति उड़ा के ले गए। भंडार भंडार, वो मूर्ति हमें अर्पण कर दो और वो तमंचा हमारे चरणों में डाल दो। नहीं स्वामी, पहले मुझे मेरी बेटी चाहिए। नहीं पहले मूर्ति चोपड़ा, पहले मूर्ति। नहीं स्वामी, अब मुझे तुम पे भरोसा नहीं रहा है, बहुत भक्ति कर ली तुम्हारी मैंने। पहले बताओ मेरी बेटी कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। मारो मारो, चलाओ चलाओ गोली, मैं तुम दोनों को उड़ा दूंगा। अपनी बेटी को भी? मेरी बेटी? हाँ यही तो है तुम्हारी बेटी। तुम झूठ बोलते हो। सबूत चाहिए। अब तो तमंचा हमारे कदमों में डाल दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी की गर्दन धड़ से अलग हो जाएगी। लाओ लाओ लाओ, दो दो दो, वो मूर्ति दो। स्वामी जी शक्ति मुक्ति दोनों को बांध दो। स्लीपिंग ब्यूटीज, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है, ऊपर जाकर देखो क्या हुए हैं। हे केयरफुल ऑफ द स्वामी। अंकल ये सब क्या है? विजय विजय तुम उसका पीछा करो, देखो उस बदमाश स्वामी ने हमारी हालत कर दी है। वो मिठू और सेठ जी की मूर्ति को लेकर कहीं भाग गया है। लेकिन वो गया कब पता नहीं। विजय अब क्या होगा? जाओ जल्दी से जाओ। विजय बेटे वो मूर्ति बचा लो बेटे। जी अब तक मत कीजिए, मैं उसका पता लगाता हूँ, तुम पुलिस कंफर्म करो। भंडार स्वामी का अड्डा कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं कैसे पता, आराम कर दे, बता कहाँ है? नहीं नहीं पता। कहाँ है? पता पता है, चल चल मेरे साथ। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैं उल्लू हूँ, मूर्ख हूँ, कथा हूँ, जो इस काली सी मूर्ति को पाकर इतना खुश क्यों हो रहा हूं, है ना? लेकिन नहीं, Thank you.
राजेश तुम किधर जाता है? धर्मेंद्र इधर रहते हैं। नहीं, किधर रहते हैं? बॉम्बे में। ओह, बॉम्बे में किधर? कौन है तुम? मैं सायरी है। ये विजय है। तुम इधर से जाओ, मैं उधर से जाता हूँ। वो जितेंद्र इधर रहते हैं? नहीं, किधर रहते हैं? बॉम्बे में। बॉम्बे में किधर? कौन है? मैं सायरी। वेरी प्लीज टू मीट यू। मैं जूडो पूरी तरह से नहीं सीखे हैं। मैं सिखाता हूँ। वो घर किसके हैं? मालूम नहीं। ये मैं इंडिया में सीखे हैं। स्वामी नमस्ते। नमस्ते। आप योगा करते हैं? हम कुंग फू करते हैं। कुंग फू करते हैं? मालूम है क्या कीमत है इसकी? मालूम है? 2 करोड़। भंडार 2 करोड़। स्वामी जी आप महान हैं, लेकिन थोड़े से बेईमान हैं। आगे बढ़ो, अगर हिले तो तुमको गोली मार देंगे। ए, क्या करता है? सुनाओ। स्वामी एक चप्पू मुझे जाने दे। 50-50 के बच्चे तेरी प्रकाश की ज्योति में अभी खत्म करता हूँ। कमीने, तुझे तेरे किए की सजा मिलनी चाहिए। ये ले। बाकी का काम कानून करेगा। 50-50 चल अंदर। इंस्पेक्टर 50-50। बेटे तुम्हें समझने में मैंने बहुत गलती की, मुझे माफ कर दो। डैडी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया। मिठू। ओ डैडी। बेटे मुझे माफ कर दो। डैडी। ओके ओके सभी दूसरी जल्दी माफ करो, टाइम नहीं है। पीली हरी नीली सफेद फोटो खिंचवा लो। ये फोटो। हे कैमरामैन, तुम फैमिली फोटोग्राफ लेता है? आओ मेरे पीछे आओ, फॉलो मी, कम ऑन, आओ पंचर वाले, इधर चलो चलो भाई, सब लाइन में खड़ा हो जाओ, जल्दी करो, टाइम नहीं है। अरे मैडम कैसा है चमन? अरे दोस्त ये, अरे वाह, अरे समय तो, अरे फिर तो आर रेडी। नाउ देखो तुम भी देखो, गलियां क्यों शर्मा रही है, ऐसे कैसे कैसे अमरों को तड़पा रही है। कुछ कर पाके जिनसे लगा के दोनों ने
अनजाने